हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड सेकेंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। क्वेश्चन में कहा है एक कोनिकल टेंट की हाइट 10 मीटर है और उसकी रेडियस बेस रेडियस जो है वो 24 मीटर है, तो बताइए कि उसकी स्लैंट हाइट कितनी है। फर्स्ट ये पता करना है और सेकंड ये पता करना है कि इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है ठीक है उसकी कॉस्ट कितनी होगी यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है वो ₹70 का हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मान लो कि ये हमारा क्या है, कोनिकल टेंट। ठीक है, इसमें कहा है 10 मीटर हाई है ये, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, दैट इज एच 10 मीटर। फिर इसका बेस रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस 24, तो यहाँ से यहाँ तक इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज 24 मीटर। ठीक है, और निकालना क्या है, फर्स्ट एल स्लैंट हाइट ये मिसिंग है। ठीक है, तो L निकालने के लिए तो जो इन तीनों के बीच में रिलेशन है उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या दिया है, इन कोनिकल टेंट H, H कितना है 10 मीटर, R रेडियस 24 मीटर और L ये मिसिंग है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन वॉट एच आर एंड एल, ये होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल, एल हमें निकालना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच, हाइट कितनी है 10, तो 10 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस आर, रेडियस इज 24 उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576 यानी 676। स्क्वायर आप हटा देंगे यहाँ से तो सामने आ जाएगा एक रूट। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 676, इसका स्क्वायर रूट जो है वो है 26। तो एल की वैल्यू तो आ गई स्लैंट हाइट, जो हमारा फर्स्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फर्स्ट में आपको यही पूछा गया था कि स्लैंट हाइट कितनी है। अब इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, तो जो फर्स्ट है स्लैंट हाइट तो हमने फाइंड आउट कर ली 26 मीटर, अब क्या निकालना, कैनवास की कॉस्ट, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है ₹70 का। ठीक है, तो जो कैनवास इस पे लगा है वो किसका है? वो लगा है इसके सी एस ए के बराबर। ठीक है, तो जो कैनवास है वो सी एस ए के बराबर है, कर्व सरफेस एरिया के बराबर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, तो आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, आर और एल ये भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है पहले, और फिर जब सी एस ए निकल जाएगा तो हम मल्टीप्लाइड बाय 70 कर देंगे, क्योंकि रेट ऑफ जो कैनवास है 1 मीटर स्क्वायर का वो 70, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी पूरे टेंट की, जो टेंट में जो हमारा कैनवास लगा। ओके, कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन। ओके, कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल, तो ये हो जाएगा पाई 22/7, आर द रेडियस, रेडियस कितनी है इसके अंदर, ओके रेडियस जो है वो है 24 इंटू एल, स्लैंट हाइट जो आई है 26। ठीक है, और ये चल रहा है सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, 22 × 7 × 24 × 26, इसको करते हैं तो ये आता है 624 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 22 × 624 1372
8 मीटर स्क्वायर अपॉन, और नीचे चल रहा है 7, ठीक है। अब ये तो आ गया कि कितना कैनवास यहाँ पर लगा है, ठीक है। अब इसका रेट कितना दे रखा है, रेट ऑफ कैनवास इट इज गिवन एज रुपीज 70 पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज लगते हैं। तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास कितना लगा है, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जितना कैनवास लगा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो उसके रेट से, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, तो ये हो जाएगा 1,3,7,2,8, ठीक है, अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दिस रेट 70, तो ये चल रहा है कॉस्ट, यानी अब आएगा ये रुपीस में, 7 से 7 वन टाइम्स 0, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा रुपीस 1,3,7,2,8 और एक 10 से यानी 0 जाएगा, ओके। तो ये आ गया 1,37,280 रुपीज़, इतना खर्चा आएगा उस टेंट को बनाने में, ठीक है। तो ये इसका आंसर, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।